Oh,
Hi.
कुटुंब परिवार करना पालन रे करके दृढ़ सभी मेरे नेम होकर अति प्रसन्न रे धर्म भक्ति करेंगे क्षेम। बोले श्री हरि रे सुनिए नर नारी हरिजन, बोले श्री हरि रे सुनिए नर नारी हरिजन।
पापा के निस्वार्थ प्रेम ने प्रभु पाने की अलख जगाई। पापा के निस्वार्थ प्रेम ने प्रभु पाने की अलख जगाई। श्री जी प्रगट धरा पर है, श्री जी प्रगट धरा पर है, योगी जी ने प्रतीति कराई। पापा के निस्वार्थ प्रेम ने प्रभु पाने की अलख जगाई। अविरत योगी वाणी में बहे महिमा और हरि लीला गान। सहज सरलता साधुता उनकी ब्रह्म भाव की है पहचान। अति समर्थ होकर भी दासत्व भक्ति की शैली अपनाई। श्री जी प्रगट धरा पर है, श्री जी प्रगट धरा पर है, योगी जी ने प्रतीति कराई। पापा के निस्वार्थ प्रेम ने प्रभु पाने की अलख जगाई। को साधु बनाया दिव्य दुर्गामी योजना से, किया मोक्ष का द्वार सुलभ आज उन संतों के संबंध से। अक्षर पुरुषोत्तम उपासना विश्व में चहु और फैलाई। श्री जी प्रगट धरा पर है, श्री जी प्रगट धरा पर है, योगी जी ने प्रतीति कराई। पापा के निस्वार्थ प्रेम ने प्रभु पाने की अलख जगाई। समाज रचा ओ गुणातीत समाज एक, न हो अपना पराया कोई जुदा, न हो अपना पराया कोई जुदा। इस निशान को लेके जिए हम, इस निशान को लेके जिए हम, सच्ची शताब्दी तभी मनाई। धन्यवाद योगी बापा को, प्रत्यक्ष स्वरूपों की निश्रा पाई, प्रत्यक्ष स्वरूपों की निश्रा पाई, प्रत्यक्ष स्वरूपों की निश्रा पाई। सहजानंद स्वामी महाराज की तेरे हैया पधराऊं रे, हरि तारुदास बनी मारा मैंने नाम मनोरथ गुरु रे, हरि तार से Yeah, hey.
जय स्वामीनारायण। परम पूज्य गुरु जी, परम पूज्य दीदी जी, संतों, बहनों और
हरि भक्तों को मेरा जय स्वामीनारायण। गुरुजी और दीदी से जुड़ना कुछ इस प्रकार हुआ। जब मैं 9 साल का था तो मैं पापा मम्मी के साथ अन्नकूट वाले दिन 2001 में मंदिर आया था। फिर हम लोगों ने सबसे पहले गुरुजी के दर्शन किए, गुरुजी ने हम लोगों को चॉकलेट दी, फिर हम थोड़ी देर गुरुजी के पास बैठे और गुरुजी ने बोला कि आप ऊपर ठाकुर जी के दर्शन करने जाएं। फिर हम लोग ठाकुर जी के दर्शन करने लगे और हमने ठाकुर जी के दर्शन किए और हमको काफ़ी अच्छा लगा। फिर उसके बाद हम लोग काका जी की समाधि पे परिक्रमा करने गए तो किसी ने बोला कि यहाँ पे परिक्रमा करने से आपके जो काम होंगे वो काफ़ी अच्छे होने लग जाएंगे। तो फिर मैंने परिक्रमा करी तो उस समय मैं 3rd क्लास में था तो उस मैंने काफ़ी अच्छी परिक्रमा करी तो उस तरीके से मेरे उसी साल स्कूल में काफ़ी अच्छे मार्क्स आए और मैं अपनी क्लास में 1st आया। फिर हम लोग धीरे धीरे मंदिर आने लगे। तरुण और मैं, मेरा छोटा भाई तरुण, हम लोग गर्मियों की छुट्टी में मंदिर में रुकते थे और सेवा करते थे। छुट्टियों में हम लोग काफ़ी क्रिकेट खेलते थे, सभा की तैयारी करते थे। इस तरीके से हमारा जीवन स्टार्ट हुआ मंदिर के द्वारा। फिर एक दिन हमें छपैया जाने का अवसर मिला। हम लोग गुरुजी के साथ छपैया मंदिर दर्शन के लिए गए जो भगवान की जन्मभूमि थी। हम लोग धीरे धीरे मंदिर आने लगे, फंक्शंस अटेंड करने लगे। फिर हम लोग अक्षर स्वामी के साथ और आशीष भैया के साथ और पुनीत भैया के साथ हम फंक्शंस की तैयारी में अपना सेवा का योगदान देते थे और हम लोगों को ऐसा अवसर मिला, काफ़ी सौभाग्य की बात थी। मुझे शुरू से ही डेकोरेशन सेवा में सेवा करने का मौका मिला और मैं हमेशा कोशिश करता था कि कोई भी सेवा करूं तो धुन सबसे पहले करूं। धुन करके सेवा करके करने से हमेशा बल मिलता है और हमें ऐसी सेवा करने का मौका मिलता है जिससे कि हम गुरुजी को राजी कर सकें। फिर उसके बाद 2012 के फंक्शन में एक गुरुजी के जीवन के आधार पर आधारित प्ले होना था जिसमें मुझे संत का रोल मिला और मैंने संत का रोल किया। जो मुझे संत बनने का रोल मिला उससे काफ़ी मुझे प्रेरणा मिली कि संत का जीवन और जगत का जीवन में बहुत बहुत बड़ा फर्क है। ऐसा मुझे देखने को मिला और जो रोल हमने निभाया उसे निभाने की शक्ति हमें गुरुजी ने दी। और फिर 2013 में गुरुजी हम लोगों को मसूरी ले गए और मसूरी में काफ़ी हम लोगों को वहाँ पे आनंद कराया। 2014 में मार्च के फंक्शन में मेरा छोटा भाई तरुण को डांस करने का मौका मिला और उसने मार्च के फंक्शन में डांस किया। उसके बाद मई और जून अनुष्ठान शिविर होती है तो उस समय गुरुजी ने ऐसा बोला था कि जो 7 बजे से पहले पूरा 1 महीने तक मंदिर आएगा उसको मैं प्राइज दूंगा। फिर तरुण और मैं दोनों टाइम से जाने लगे और 7 बजे से पहले पहुंचने की पूरी कोशिश करते थे और पहुंच जाते थे।
फिर उस दौरान तरुण की तबीयत खराब होने लगी और हमने हॉस्पिटल में दिखाया तो डॉक्टर ने बोला कि इसको GBS नाम का कोई वायरस हो गया है। फिर कुछ टाइम बाद इलाज चलता रहा बट उसको कुछ भी असर नहीं हुआ। 7 जून की सुबह वो नहीं रहा और उसको सुबह काकाजी लेने आए थे। फिर हमारा परिवार काफ़ी टूट चुका था और हमारे परिवार को संभालने वाले गुरुजी और दीदी ही हैं। हम तो सच्ची में क्या बताएं कि बिल्कुल टूट से ही गए थे। वो तो गुरुजी काकाजी का आशीर्वाद है, हम लोगों को काफ़ी रक्षा करी और हम लोगों को बचाया। नहीं तो अगर जगत के लोग होते तो हम लोगों को डिप्रेशन में डाल देते। और गुरुजी ने मुझे इतनी शक्ति दी कि मैं थोड़ा सा भी रोया नहीं। इतना मेरा विश्वास मजबूत बना दिया था गुरुजी ने कि वो एक्सपीरियंस और वो अनुभव सच्ची में मैं बता नहीं सकता। वो मेरे को ही समय काफ़ी हुआ। जब मेरी स्टडी कंप्लीट हुई तो मुझे जॉब में कोई प्लेसमेंट नहीं मिली थी तो मैं काफ़ी निराश हो गया था। तो एक दिन मैंने गुरुजी से बात करी कि गुरुजी मेरी स्टडी ख़त्म हो गई है और मुझे कोई जॉब नहीं मिल पा रही है तो मैं क्या करूं। तो गुरुजी ने बोला कि आप धुन करो और मैं भी धुन करता हूं। फिर मैंने पापा मम्मी से बोला कि गुरुजी ने बोला है हमें धुन करने को, तो मम्मी ने बोला ठीक है हम धुन करते हैं। तो हमने कुछ इस प्रकार किया कि घर में हमने अखंड धुन करने का प्रोग्राम किया, 24 घंटे की धुन रखी। 24 घंटे की हमें धुन रखने के बाद कुछ टाइम बाद मुझे सामने से कंपनी से कॉल आया कि आप इंटरव्यू के लिए आइए, आपके लिए जॉब आए। और गुरुजी हमेशा बोलते हैं ना कि धुन हर समस्या का हल करेगी ही, इसलिए मैंने सोचा और हमेशा मैंने माना कि कोई भी काम करना है हमेशा सबसे पहले धुन करनी है, काका जी गुरुजी को याद करके आगे काम करना है। तो कुल मिला के 8-10 लोगों की टीम होती थी, उन लोगों को हम लोगों को समझाना होता था कि किस तरीके से आप टायर सेल करेंगे, हम लोगों को बिजनेस क्रिएट करना होता था कि किस तरीके से हम अपने बिजनेस को डेवलप कर सकें। तो ये चीज़ें समझाने के लिए हमें भेजा गया था नॉर्थ इंडिया में, स्कोडा वर्कशॉप जितने थी मुझे उसमें भेजा गया। फिर एक दिन मैं हल्द्वानी से लखनऊ जा रहा था तो रात की ट्रेन थी मेरी 9 बजे की हल्द्वानी से, जो कि लखनऊ रात को 3 बजे पहुंचनी थी। मैंने प्लानिंग करके पहले ही होटल बुक कर लिया था। तो अभी जनवरी 2020 में ही मैं गया था, तो उस समय जब मैं गया ट्रेन से, रात को सर्दी का टाइम था, सर्दी के टाइम पर जैसे ही ट्रेन से उतरा था वो 3 बजे, जहाँ से मैंने अपना होटल बुक किया था स्टेशन से 500 से 600 मीटर था। तो मैं नेविगेशन हाथ में लेके जा रहा था मोबाइल को और चेक कर रहा था कितना दूर है। तो पूरा रात को 3 बज रहे थे, इतना ठंड का टाइम था, सर्दी का टाइम था, रात में रास्ते में एकदम सन्नाटा इस तरीके से। तो अचानक धीरे धीरे मैं रोड पे चल रहा था, एकदम सन्नाटा था चारों तरफ। तो एकदम से अचानक से 4-5 लड़के मेरे पीछे से आने लगे, मैं डर गया। तुरंत मैंने धुन स्टार्ट कर ली, भगवान को महाराज को याद किया, मैंने कहा जी गुरुजी आप ही ने कराना है सब, बचाना रक्षा करना, इस तरीके से मैं धुन करने लगा। अचानक ही जैसे ही मैं धुन करते करते आगे चलता रहा, अचानक ही 2-3 गाड़ियां आने लगी। पहले रोड सुनसान था, धुन करने के बाद अचानक ही गाड़ियां ऑटो आने लगे, जिससे कि वो जो पीछे लड़के आ रहे थे वो डर गए कि ट्रैफिक चल रहा है, कुछ जो भी करने वाले थे वो मतलब महाराज ने टाल दिया। फिर कुछ देर बाद ही आग सामने ही मेरा होटल आ गया, तो मैं अपना होटल में चला गया। मतलब इतना बड़ा लाइव एग्जांपल मिले ये हुआ कि महाराज हमारी रक्षा पल पल करते हैं और धुन करके ही हमारा महाराज रक्षा करते ही हैं। बस मेरी
यही प्रार्थना है गुरुजी और दीदी के चरणों में कि आपका स्वास्थ्य हमेशा निरोगी रहे, आप हमेशा स्वस्थ रहें और हमारी परिवार पे कृपया दृष्टि बनाए रखें। यही प्रार्थना, जय स्वामीनारायण। अनादि मूल अक्षर मूर्ति सदगुरु श्री गुणातीतानंद स्वामिनी वातु। सबसे पहले तो सभी संकल्पों को एक ओर रखकर एकाग्र चित्त से श्री जी महाराज पुरुषोत्तम को याद करके यूं मानना कि स्वामी बातें कर रहे हैं और मैं सुन रहा हूँ। यूं सुननी व उसे अंतर में टटोलते रहना और जो कहा है उसे समझकर वैसा वर्तना। स्वामिनी वातु प्रकरण 10 बात 122। स्वामीनारायण हरे। स्वामी बात करीजिए। अपने देहाभिमाने करीने, विद्याए करीने तथा गुणे करीने जेटलू अवड़ू वर्ताए ते सर्वे दादा भाई नी पेटे थाय। मन वो परेशानी करता है देहाभिमान से, मैं बड़ा हूँ, मुझे पूछना चाहिए, मेरी सलाह लेनी चाहिए, मेरा पर्टिकुलर खाना बनना चाहिए, ये सारा। और दूसरा क्या, विद्या है करने, मैं खूब पढ़े लिखा हूँ, शास्त्री बना हुआ हूँ। उस समय शास्त्री बने भने ला बोलते, हाँ मेरी गद्दी पढ़नी चाहिए, हाँ सदगुरुओं की लाइन में होना चाहिए, मैं खाना खा लूँ फिर मेरा पत्थर उठा के कोई ले जाने वाला सेवक होना चाहिए। ये सारी जो अपेक्षाएं होती है वो आखिर दुखदायी रहेगी, हाँ क्लेश कराएगी, भीतर में कचोटती रहेगी। हाँ बात 124। स्वामीनारायण हरे। स्वामी बात करीजे। बीजा ने उपदेश करिए पण अखंड भजन न थाय इटली अपना मा खोट कहवाय। दूसरों को उपदेश करे, कथा करे बहुत, महाराज का स्वरूप का निर्णय कर निरूपण करे, संतों की महिमा गाए, लेकिन खुद भजन करे नहीं। ये हम सबके लिए सीखने लायक चीज है कि भाई उपदेश ना करोगे तो चलेगा असल में तो, हाँ तुम भजन करते रहोगे स्वामी नारायण स्वामी नारायण स्वामी, अकेले पड़े तब भी, हाँ सोने जाओ तब भी, तो वो फिर दूसरों को तुम्हारा वर्तन असर करेगा, हाँ कि स्वामी की तरह रहने जैसे। वो असर करेगा। पण ते करिए तो थाय। लेकिन ये भजन भी हम अपने मन को बाजू पे रख करके मरोड़ मरोड़ के भजन करे तो थाय, वरना तो क्रियायोग में चले जाएंगे, गाम गपाटे मारने चले जाएंगे या सो जाएंगे। तेम कोई नी सेवा करवा मांडिए तो थाय। इसी तरह किसी की सेवा भी करने लगे कि चलो फ्री है तो इसके कपड़े तय कर दे, इसकी जो सेवा बाकी है वो मैं कर दूँ, ये अगर ढूंढे दिल लगावे तो होवे, वरना तो वो अपने आप कर लेगा, लापरवाही हो जावे। हाँ एक दूसरे के साहब जैसे बोलते हैं पूरक बने, ये भावना होवे तो इस रास्ते चल पाएंगे।
पण वाते न थाय वातो से नहीं होता। वाद 127 स्वामीनारायण हरे। स्वामी वात करी जे ज्ञानी होय ते पूर्वापार दृष्टि राखे। ज्ञानी जो आगे की ध्यान में रखकर सावधानी से बढ़ते, सचेत रह के बढ़ते, कि आगे भी खड्डा है, उसमें पांव पड़ेगा तो गिर जाएंगे। जो भगवान बिना अन्य पदार्थ में जोड़ाऊ नहीं, वो ये समझ के रखे कि और जगह पे जुड़ जाएंगे तो बंधन में आ जाएंगे, भगवान में जुड़ जाएंगे तो वो हमें हर तरीके से निर्बंध करके प्रभु के अंदर जोड़ देंगे संत द्वारा। और निर्दोष कर देंगे, निर्लोभी, निष्कामी, निस्वादी, निस्नेही कर देंगे। एक भगवान के अंदर ही अपना स्नेह बना रहे। ऐसा जो करम है वो समझ देना कि भगवत स्वरूप संत है। हमारी सारी वृत्तियां एक सत्संगमय कर दे। एक अपने सारे सत्संगियों को काका जी ने ऐसा कर दिया, वो उठेंगे करेंगे तभी इनको ख्याल यही रहेगा भगवान संत और सत्संगी का। वो इधर फैल फतूर की बातों पे नहीं जाएंगे। ऐसा जिसको हो गए फैल फतूर यानी कोई भी जगह पे मन ही नहीं करेगा कि हमें नहीं करना है, स्वामीनारायण 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 स्वामीनारायण, मेरे तो एक गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई नहीं। वात 128 स्वामीनारायण हरे। स्वामी वात करीजे, महाराजे कहू हतु जे कोई ना हैया मा रहने तथा सुसंग मा रहने पण कहीश। महाराज ने बोला हुआ है कि किसी के दिल में रह करके उसे प्रेरणा होगी कि मैं इसको जाके ये कहूं, इस समय ये बोलूं, या कुसंग मा रहे। कुसंग में कुसंग यानी सत्संग नहीं है वो, कुसंग उसमें रह करके भी मैं तुम्हें कहूँगा। वो हमें समझना पड़ेगा कि ओहो उसमें से महाराज बोले। जैसे मैंने नहीं एक बार बात करी कि छोटे छोटे संत लोग पेड़ पे चढ़ के फिर ऊपर से डाली पे से कूद के तालाब के अंदर नहाते थे। हाँ तो किसने कहा कि स्वामीनारायण के संत लोग ऐसा नहीं करते के। देखो तो वो लड़कों को ख्याल आया कि ये इसमें से महाराज बोले। हाँ इस तरह हम भी कुछ ऐसा बिहेव करने जावे, हाँ हाँ किसी से अनशन बोलने भी जावे तो ऐसा रहे कि नहीं ये हमारे काका जी को पसंद नहीं आएगा, या कोई बीच में रोक देवे तो हमें गुस्सा ना आ जावे। ऐसा नहीं है कि हम अपने बेग में चले जाते थे, ये काका जी ने इसमें से रह करके मुझे रोक दिया। वो इस तरह जो चले तो वो समझना कि वो भगवान बजने की राह पे सचेत है, सावधान है, इसे ख्याल है कि मैं क्या करने आया हूँ, क्या करने जा रहा था, लेकिन महाराज ने मुझे इसके द्वारा रोक दिया। हाँ उसका गुण ले हुए कि ओ तुम्हारे में से महाराज को मुझे कहना पड़ा। वात 130 स्वामीनारायण हरे। स्वामी वात करीजे, डब्बा ने लोटा मोटे राज राखशे त्यारे बीजा केम नहीं राखे। डब्बा अने लोटा
हाँ उस समय इतने में सब आ जाता था। हाँ अब कबाट रखे, दराज रखे, अपना अलग रखे, हाँ बड़े ही ऐसे करेंगे तो फिर दूसरे जो छोटे संत लोग हैं वो उसी रास्ते पे चलेंगे। जैसे बड़ा ही हमेशा ऐसा सब कुछ अपना खुला ही रखे, हाँ कि मेरा कोई प्राइवेट है नहीं, हाँ मेरा कोई व्यक्तिगत चीज नहीं है, तो फिर दूसरों को भी नहीं रहेगा। हाँ बात 132 स्वामीनारायण हरे स्वामी बात करी जी कथा वातु भजन ने सेवा। कथा जनरल वातु ये स्वामी की बातें पढ़े या ऐसे बड़े संत कोई बातें करे वो जनरल कथा नहीं, वातु और सेवा ते आपने सीखी ये करने के लिए महाराज स्वामी ने हमें सिखाया कि भाई कथा सुन, कथा में बैठो, कथा के टाइम पे कोई सेवा का बहाना जा करके कथा में ना बैठे, ऐसा ना होवे। जैसे पता लगे कथा शुरू हुई तो मैंने नहीं पूनमदा की बात करी थी ना कि इतनी सेवा में लगा हुआ हो लेकिन ये काका जी ने कथा शुरू करी है, काका जी ने धुन शुरू करी है, वहाँ जाके वो बैठ जाते, हाँ वो मुमुक्षु बोला जाए, खप वाला बोला जाए, गरजमंद बोला जाए। हाँ बात 133 स्वामीनारायण हरे स्वामी बात करीजे सुखमा भगवान न भुलाए तो साचू। दुख हो में तब तो सब याद करें हे भगवान, कोई भगवान पे गुस्सा भी निकाले मेरे लिए ऐसा क्यों करा, कोई धुन भी करे कि महाराज रक्षा करो रक्षा करो, दुख में तो करे इन सुख ऐशो आराम होवे, वाह वाह होवे, कोई परेशानी ना होवे, हर प्रकार की कंफर्ट होवे, और तब भी स्वामीनारायण स्वामीनारायण ये सब भगवान का दिया हुआ है, यूं करके कृतज्ञ रहे। हाँ कि भाई भगवान की दया से है, भगवान की कृपा से ये सब बना हुआ है। हाँ वो सच्चा भगत ये खरु। जेने भगवान मा प्रीति होय तेने विषय स्वप्न मा पण ना आवे। भगवान में अगर प्रीति हो तो दूसरी विषय परेशान नहीं करते। ये मैंने अलग ढंग से कि भगवान में अगर राग होगा तो दूसरी जगह से ऑटोमेटिक क्या वो एटोमेटिक वैराग हो जाएगा। हाँ वैराग के लिए छोड़ो 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 उस पे नहीं जाना पड़ेगा। भगवान में प्रीति, भगवान में राग, उसमें वैराग निहित है। बात 135 स्वामीनारायण हरे स्वामी बात करीजिए। देखो हमारे सबके अंदर कोई वैराग था नहीं, ऐसे संत के साथ राग हो गया, प्रीति हो गई, लगाव हो गया, आसक्ति हो गई, हाँ वो संत अच्छे हैं ऐसा रह करके उसके अंदर खींचे गए तो वो संसार तो कहाँ खारा जहर हो गया, उन्हें जगह खारो लागे हो रहे। बात 135 स्वामीनारायण हरे स्वामी बात करीजे पशु ने पण देश वासना बंधाय छे। पशु को भी देश वासना है।
देश प्रेम नहीं बोला जाए, वासना। एक भैंस गुम हो गई थी, रात को भटकती 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 कोई और गांव नहीं चली गई, अपने ही गांव जा जाकर पहुंची। ते विचार हूं जे देह लोक भोग निपक्ष। देह क्या? देह 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 भाव लोक बड़प्पन लोक की कीर्ति लोकेशना फिर भोग भोग निपक्ष पक्ष पक्ष सबसे ज्यादा बुरा करता है, ये अपना ये पराया ये मेरा ये तेरा सबसे इन सब बाकी सब भी इसके आधार पे ही रहेगा। किसके पक्ष के आधार पे? पक्ष माना मेरा तेरा वो। तेमाथी शेनु रटन थाय छे? लोक का रटन, धन का रटन होता है, लोक की कीर्ति का रटन होता है, वो तपास करना कहने का मकसद हुआ। बात 136 स्वामीनारायण हरे स्वामी बात करी जे जितला भगवान भुलाए ये व्यर्थ काल गयो जानवो। इसलिए लगातार भजन गला करना, भगवान को भूलना ही नहीं, भूलने नहीं, इसके कारण रटन गला कर स्वामीनारायण स्वामीनारायण स्वामीनारायण। हाँ, क्योंकि अगर भूले तो समय बेकार गया, व्यर्थ गया, निकम्मा गया, कोई काम का नहीं रहा। हाँ, तो जो भी खाली समय भी मिले उसमें हमारी कमाई होती रहे, इसलिए भजन गला करना स्वामीनारायण स्वामीनारायण स्वामीनारायण। हम लोग खाली मिलेंगे तो गप्पे ठोकने बैठ जाएंगे, खाली मिलेंगे तो सो जाएंगे, खाली मिलेंगे तो खाना खाने चले जाएंगे, चलो थोड़ा खा ले। बात 137 स्वामीनारायण हरे स्वामी बात करी जी बधा सत्संगी ना माथा थी वावे भरी दे तो आ भगवान मळे नहीं। हम कुछ भी कर देवे भगवान मिल नहीं सकते, वो हमें मिले और पहचान करवाई काका जी ने। हाँ, कितनी बड़ी बात, काका जी का तो जितना एहसान सारा संप्रदाय माने इतना कम है। इन्होंने पहचान कराई कि हो जोगी महाराज के रूप में तुम्हें सहजान स्वामी मानव स्वरूप में मिले हुए। हाँ, सबसे पहला डंका इन्होंने बजाया। एवा भगवान मोंगा छे। भगवान ने ये बात कहने का मकसद अलग था कि हम सब सत्संगी कुर्बान हो जावे तब भी भगवान अपने लिए सस्ते हैं जो हमें मिले। एक का कोई जगह पे ना सौ माथा जाता सोंगा छोगारा एक सिर के लिए क्यों डरता है? अपना एक जन्म का जीवन देना साधु होना क्यों डरते हो? हम जैसे सौ भी आ जाए तब भी सस्ता है। बात 138 स्वामीनारायण हरे स्वामी बात करी थी जेटली वार नाम रटन करियो ने स्मृति करी स्तुति करी स्मृति करी स्मृति स्मृति करे जितना भजन करा स्मृति करी ध्यान करा। हाँ,
ते अविनाशी थई गयो। वो अविनाशी, बाकी सब जो करेंगे वो काल खा जाएगा। ये सारा हमारे साथ कैरी फॉरवर्ड होगा। इसलिए सबसे अच्छा चिरंजीव भगवान, और तो उसकी स्मृति भी चिरंजीव, शाश्वत, वो हमें शाश्वत सुख देगा। शाश्वत सुख मतलब फिर वो कभी कितना नाश नहीं होगा, नष्ट नहीं होगा, अखंड आनंद रहेगा। बात 142। स्वामीनारायण हरे। स्वामी बात करीजे, कोई ने वड़ी ने कहिए त्यारे कैसे जे मारे आटलूज कल्याण जुए छे। हाँ, किसी को बहुत टोक टोक के कहे कि मारे रहने दो, मैं जो करता हूँ ठीक है, मुझे इतने में बस बहुत इसका जो फल मिलेगा, आप मुझे खामों खाम परेशान कर रहे हो, लो। ऐसे भी होते हैं, लेकिन जिसको डांट कर कहवे और वो खुश हो गए अंदर से, भीतर से, जो हो मुझे कितना अपना गिना, जो मुझे, मैं गलत ढंग से जा रहा था वहाँ से मुझे बचा लिया, या धक्का मार के प्रगति करा रहे हैं। कोई ने वड़ी ने कहिए त्यारे कैसे जे मारे एटलू ज कल्याण हुए छे। मुझे ज्यादा कहो, मैं जो करता हूँ मेरे लिए सफिशियंट है। त्यारे तेने शू वधू कहिए, उसको फिर क्या कहेंगे। बात 145। स्वामीनारायण हरे। स्वामी बात करीजे, इंद्रियो अंतकरण पण नीच छे। नीच छे इंद्रिया, अंतकरण, अंतकरण के अंदर भी मलिन घाट उठते रहते हैं। किसी को कुछ कहा हो तो वो अंदर भीतर में कचोटता रहता है, वो सब नीच है। बात 146। स्वामीनारायण हरे। स्वामी बात करीजे, देहना सुख सारू सत्संग ने घसारो लागवा देवो नहीं। अपनी कंफर्ट्स के लिए देना सुख ने लिया, सत्संग को कसनी में नहीं लेना। मानो सेवकों को कसनी में अपने सुख के लिए, या साथियों को अपने सुख के लिए कसनी में नहीं लेना। बात 148। स्वामीनारायण हरे। स्वामी बात करीजे, मोटाए उपेक्षा करी त्यारे जानवू जे सीमाडो आवी रह्यो। बने संत हमें कहना बंद कर दे तो छोड़ो भैया, अभी इसको गरज ही नहीं है, तो समझना अपना काम वहां रुक गया। जब तक बड़े संत हमें डांट कर कहते रहते, समझना हमारी परवरिश चल हुए, हमारी प्रगति भी अब होती रहेगी। रोज वड़ी ने कहे छे त्या लगी ठीक छे। रोज हमें डांट डांट के कहते हैं अच्छा है, हमारी देखभाल करने वाला कोई शास्त्र है, नहीं कहवे समझना, अब हम कहते भटकने लग जाएंगे, हमें कोई दिशा नहीं मिलेगी। जब कोई कहने वाला होगा, कहता रहेगा, तो समझना हम गलती में जाएंगे नहीं, रास्ता चूक ना जाएंगे। ने माया करता उपेक्षा भूंडी छे। माया हमें खा जाएगी, वो तो है,
इससे भी जहाँ मारिया माया ने मारिया मारे मारिया अच्छा मारे कोई मारे ये अलग बात है। हाँ उससे भी मारे हो तो हमें लाइन पे ले आएगा, उपेक्षा मानो कहना ही छोड़ दे वो और ज़्यादा खराब है। जब तक कोई कहता है राजी रहना, ऊपर से जाके कहना कि आप मुझे हमेशा कहते रहना, आप मुझे हमेशा टोकते रहना, हाँ मेरी कोई गलती हो तो बताते रहना। हाँ कोई कहना ही छोड़ दे, जैसे सूरज स्वामी हमें कुछ कहना ही छोड़ दे तो समझना क्या अब अपनी कसर कौन बताएगा, अब अपनी गलती कौन बताएगा, अब अपने स्वभाव कैसे चलेंगे। बात 151 स्वामी नारायण हरे स्वामी बात करीजे। करोड़ों वात नो त्याग करे त्यारे ब्रह्मचर्य रहे, त्यारे ब्रह्मचर्य रहे। मानो इधर उधर झांकियां मारते छोड़ते हैं हर जगह से, तब ये ब्रह्मचर्य ब्रह्म में मन रहेगा। आही छे तेज त्यां छे तेने मोड़ू शूं देखाशू। हाँ आही छे वही वहां है, यहाँ जो काका जी मिले हैं वही ऊपर जाके काका जी हमें रिसीव करने वाले हैं। अगर हम काका जी के ढंग से यानी सूरत भाव से और निर्दोष बुद्धि से नहीं रहेंगे तो ऊपर जाके काका जी को क्या शक्ल दिखाएंगे। इसलिए और कुछ भी होवे या ना होवे, सूरत भाव से मिलजुल के जहाँ रखे हो वहाँ सारे समाज में तो रहना ही है, पायलट स्कीम पे यहाँ जहाँ रखे हो वहाँ मिलजुल कर और किसी का भी दोष देखे बिना, दोष नोट करे बिना डायरी में कि आज फलाना ऐसा करता था, ये नहीं डायरी में तो कोई नोट नहीं करता ऐसा, मन में भी नहीं। मन में ऐसी कोई बात आ भी जावे तो स्वामीनारायण 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 टाल दो टाल दो टाल दो टाल दो कर देना। बात 152 स्वामीनारायण हरे स्वामी बात करीजे। कोई पदार्थ न जोइए त्यारे अहिंसा धर्म पड़े। हाँ अहिंसा धर्म किसी का मन दुखा देवे वो भी हिंसा हुई, हमें कुछ चाहिए ही नहीं तो वो हिंसा किसी को भी दुखी नहीं कर पाएंगे अपने आप। हाँ ये अहिंसा का गहरा अर्थ होता है, कत्ल करनी वो तो हिंसा है ही है। हाँ पर किसी का मन दुख हो जावे वो भी हिंसा है, हम कि हमें कोई चीज की जरूरत ना हो वो ही, तभी ये हिंसा किसी की करेंगे नहीं। सत्संगिनी साथे करड़ी नजर करशे तेनी आंख फूटी जाशे। लो स्वामी कितने भक्तों की कितनी महिमा होगी, कि सत्संगियों के प्रति द्वेष बुद्धि रखेगा करड़ी नजर मतलब आंख फूट जाएगी उसकी। हाँ स्वामी ने अपना रोष व्यक्त करा के इस रास्ते तो जाना ही नहीं, भक्तों के प्रति प्रेम भावना रहे, असल में तो प्रेम भाव ही रखना है, आत्मबुद्धि और प्रीति ही रखनी है, मन न भी करे पर लेकिन द्वेष बुद्धि तो नहीं रखो। इसीलिए कुटुंब भाव अपने आप आत्मबुद्धि और प्रीति हो जाएगी इसके।
हमारा एक परिवार ही है, फिर कहीं किसी की बुराई एक दूसरे बाहर से सुन के अपने लोगों के प्रति कभी भी द्वेष बुद्धि नहीं आएगी। कोई कुछ कहने भी जाएगा तो अपने लड़कों के लिए तो माँ लड़ेगी, भले कसूरवार भी हो। माटे सत्संगी ने दुख न थाय एम वर्त जो। कोई भगत को मन दुख न होवे ऐसा बिहेव करना। सत्संगी ने दुख थाय एम वर्ते छे ते तो अमारु लोही पिए छे। स्वामी ने कहा तो भगत कोई दुखी होवे, भगत को कष्ट होवे, भगत के मन को ठेस लगे, ऐसा जो कुछ वर्तता है, बोलता है, करता है, वो मेरा खून पीता है। स्वामी ने भक्तों के प्रति अपनी चाह, भक्तों की महिमा समझाई। बात 155 बस।